नमस्कार दोस्तों, डीके थ्रीडीएम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वह आप तक पहुँच जाए। या स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस का नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो जो है मैं बहुत ही शॉर्ट में बनाने वाला हूँ। ये प्लान जो है आप ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान भी बनाया था और उसका 3D प्रिंट एलिवेशन भी हमने बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो समय की कमी है तो उसके हिसाब से शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर का प्लान नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक रोड है और इस साइड में भी रोड है। लगभग 2000 स्क्वायर फुट में पूरा कंस्ट्रक्शन का एरिया कंस्ट्रक्शन आता है। लगभग 2100 स्क्वायर फुट में पूरा कंस्ट्रक्शन का प्लॉट का एरिया है, ठीक है, लगभग। लेकिन 2000 स्क्वायर फुट में यह पूरा कंस्ट्रक्शन आसपास कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए, ये जो रोड है, रोड से जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे पार्किंग का एरिया मिल रहा है। यहाँ पे एक वरांडा है। देखिए, यहाँ पे वरांडा, इस वरांडे पर चढ़ने के बाद ये लिविंग रूम में एंट्री करेंगे। देखिए, लिविंग रूम का साइज़ जो है आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 विंडो दिए गए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, और इस साइड में भी विंडो लगा सकते हैं। और बाद में यहाँ पे पूजा रूम में एडजस्ट किया गया है। यहाँ पे 4 फीट का पैसेज है इधर आने के लिए डाइनिंग और बेडरूम की तरफ। यहाँ पे एक बाथरूम है, यहाँ पे टॉयलेट है। इसके साइज़ आपको क्लियर नज़र ही आ रहा है। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम बताया गया है 12 फीट बाय 10 फीट में। उसके बाद में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। पीछे एक साइड में 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया है। और उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक गेस्ट रूम एडजस्ट किया गया है 12 फीट बाय 11 फीट 8 इंच का। और यहाँ पे एक डाइनिंग है, देखिए, लगभग 14 फीट 2 इंच का और 7 फीट 3 इंच यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद में 2 फीट एक्स्ट्रा पोर्शन मिल रहा है। और यहाँ पे किचन है 10 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का। पीछे वॉश एरिया दिया है, एक विंडो यहाँ पे दिया है और यहाँ पे एक डोर दिया है जो बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पे एक स्टोर रूम एडजस्ट किया गया है। और उसके बाद में एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, और इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। और पीछे एक डोर दिया गया है और यहाँ पे गैरेज दी गई है। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे तो ये स्टेयरकेस जो है ये बाहर से यूज़ करने के लिए, देखिए, यहाँ से स्टेयरकेस हम पार्किंग से यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ से हमारी यहाँ पे एक डोर रहेगा और यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होगी और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी एक प्लान बनाया गया है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। यहाँ पे स्टेयरकेस से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे एंट्री करने के बाद एक लिविंग रूम, देखिए, ये एक लिविंग रूम है, एक किचन है, एक बेडरूम है। इसके साइज़ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बेडरूम है, ठीक है, मतलब ये 2 BHK प्लान है। यहाँ से देखेंगे आप, देखिए, दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक पूरा 2 BHK प्लान है। इसमें एक कॉमन अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे ओपन टू स्काई रखा गया है एक किचन के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और इस बेडरूम को देखेंगे तो यहाँ पे गैलरी दी गई है। उसके बाद में देखेंगे तो फिर से हम इस साइड में आएंगे। देखिए, यहाँ से पैसेज है जो गैलरी है, इस सीट आउट पर पहुँच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सीट आउट दिया गया है और यहाँ पे फिर से एक लिविंग रूम में एंट्री करेंगे। लिविंग रूम का साइज़ जो दिख रहा है आपको लगभग 19 फीट बाय 13 फीट 6 इंच का है। और यहाँ पे किचन है और यहाँ पे बेडरूम है और यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, ठीक है। मतलब ये 1 BHK है और ये 2 BHK है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर देखेंगे तो दो रेंट के हिसाब से प्लान बनाया गया है, एक 1 BHK में और ये 2 BHK में प्लान एडजस्ट हो जाता है। इसका 3D फ्रंट एलिवेशन भी हमने बनाया था, वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो है इसका 3D फ्रंट एलिवेशन बनाया था। इसमें देखेंगे तो कार पार्किंग का एरिया नज़र आ रहा है। स्टेयरकेस भी आपको क्लियर नज़र आ जाएगी, देखिए यहाँ से। और ये जो है गैलरी है यहाँ पे, ये फ्रंट साइड है और ये जो दूसरी साइड है, जो जिस साइड में हमारा रोड है, ठीक है। इसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे। देखिए, ये कलर ऑप्शन है, काफ़ी बढ़िया और सिंपल सा कलर ऑप्शन है। देखिए, एक कलर ऑप्शन है और ये देखिए, ये दूसरी साइड है, पीछे की साइड में है। तो पीछे की साइड में भी देखिए काफ़ी बढ़िया सा लुक नज़र आ रहा है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।